प्रेज द लॉर्ड। सभी विश्वासी भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह में जय मसीह की। बाइबल शिक्षा चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हमारे इस चैनल को देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के ऑल बटन को ज़रूर दबाएं, तभी आपको हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। आज मैं आपके लिए की पुस्तक से जंगली बीज का दृष्टांत लेकर आई हूँ, जो आपको मत्ती अध्याय 13 का 24 से 30 वचन में मिलेगा। तो चलिए भाइयों बहनों, हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। बाइबल दर्शाती है यहाँ कि प्रभु यीशु अपने चेलों को और अन्य और भी लोगों को दृष्टांतों में स्वर्ग के राज्य के विषय सिखा रहे थे। तब वहाँ प्रभु यीशु ने एक दृष्टांत दिया और कहा कि स्वर्ग का राज्य उस मनुष्य के समान है जिसने अपने खेत में अच्छा बीज बोया, पर जब लोग सो रहे थे तो उसका शत्रु आकर गेहूं के बीज के साथ जंगली बीज बोकर चला गया। तब जब अंकुर निकले और बाले लगी तो जंगली दाने के पौधे भी दिखाई दिए। पहले भाइयों बहनों, हम समझेंगे कि अच्छा बीज क्या है अर्थात गेहूं, और बुरा बीज क्या है अर्थात जंगली बीज। अच्छा बीज है मेरे प्रियो परमेश्वर का सामर्थी वचन, और खेत है यह संसार, और संसार में परमेश्वर का वचन और उसे बोने वाला मनुष्य का पुत्र अर्थात प्रभु यीशु मसीह है, जिसने जगत में आकर मनुष्यों के बीच में अपना वचन बोया, जिसमें केवल प्रेम, करुणा, भलाई और नम्रता थी, जो कि पवित्र आत्मा के 9 फल है। परंतु यहाँ लिखा है कि जब लोग सो रहे थे तो शत्रु ने आकर जंगली बीज भी उनके साथ ही बो दिए। सो रहे थे का अर्थ है मेरे प्रियो आत्मा में सोना, प्रार्थना की कमी, बाइबल ना पढ़ना, आलस्य, डाहा, झगड़ा, बुराइयां, परमेश्वर से दूरी। जब मनुष्य इस अवस्था में आ जाता है मेरे प्रियो, तब परमेश्वर को जानते हुए तो शत्रु जो कि शैतान है, वह उन मनुष्यों में जंगली बीज को बो जाता है जो कि संसारिक बातें हैं, जैसे व्यभिचार, लीला क्रीड़ा, झूठ, पाप, चोरी, हत्या इत्यादि, जो मनुष्यों को केवल नाश की ओर ले जाता है। और शैतान को अवसर भी मनुष्य ही प्रदान करता है प्रार्थना की घटी के कारण, कि वह उनके जीवनों पर फिर नियंत्रण रखे। और वहाँ यह भी लिखा है कि जब अंकुर निकले, बाले लगी, तब जंगली बीज भी दिखाई दिए, अर्थात मनुष्य के हृदय में संसारिक चाल चलन समाता गया तथा वह बुराइयों में गिरता गया, वचन घटता गया तथा बुराइयां अर्थात जंगली बीज दिखने लगा। तब आगे यह लिखा है कि इस पर ग्रस्त के दासों ने आकर उससे कहा, हे स्वामी, क्या तूने अपने खेत में अच्छा बीज ना बोया था? फिर जंगली दाने के पौधे उसमें कहां से आ गए? तब उसने अर्थात ग्रस्त के स्वामी ने अपने दासों से कहा कि यह शत्रु का काम है। तब फिर दासों ने उससे कहा कि क्या तेरी इच्छा है कि हम जाकर उन्हें बटोर ले? यहाँ दास परमेश्वर के सेवकों को दर्शाते हैं, जो परमेश्वर के वचन को बतौर तक पहुँचाते हैं तथा उन्हें परमेश्वर के राज्य में लाते हैं। जब उन्होंने जंगली दाने बटोरने को अपने ग्रस्त के स्वामी से कहा अर्थात वचन को ना सुनने वालों के विषय, तब स्वामी ने उनसे कहा कि नहीं, अभी नहीं, कहीं ऐसा न हो कि तुम जंगली दाने बटोरते हुए कहीं उनके साथ गेहूं भी उखाड़ लो। और फिर स्वामी ने कहा कि कटनी तक दोनों को एक साथ बढ़ने दो, और फिर कटनी के समय में काटने वाले को मैं भेजूंगा और कहूंगा कि वह पहले जंगली दाने के पौधे बटोर कर जलाने के लिए उन्हें गट्ठों में बांध ले, और फिर गेहूं को मेरे खत्तों में इकट्ठा करे। हालेलुया। यह समझने व सीखने की बात यह है मेरे प्रियो कि जंगली बीज शैतान का राज्य है, जिसे प्रभु ने कटनी के समय अर्थात अंत के समय उखाड़ कर अलग करके आग में झोंकने के विषय कहा है, और जो काटने वाले हैं वह हैं स्वर्गदूत, जो कि अंत के समय जंगली बीजों और गेहूं के बीजों को अलग अलग करेंगे, अर्थात दुष्ट की संतान और परमेश्वर की संतान को अलग अलग करेंगे, और फिर दुष्ट की संतान को आग के कुंड में डाला जाएगा, जहां रोना तथा दांत पीसना होगा, और
फिर धर्मी जन जो परमेश्वर का राज्य है उन्हें परमेश्वर के खत्तों में इकट्ठा किया जाएगा, जहां फिर उनके लिए धर्म का सूर्य उदय सदा रहेगा। ध्यान दे मेरे प्रियो, यहां इस दृष्टांत में प्रभु ने कहा कि कटनी तक दोनों को साथ साथ बढ़ने दो, अर्थात परमेश्वर हमें अवसर देते हैं परमेश्वर के राज्य में मन फिराने के लिए, क्योंकि जगत दुष्ट के संसारिक पाप से भरा पड़ा है। जो मनुष्य परमेश्वर का वचन सुनते व मानते हैं और उस पर चलने की इच्छा भी रखते हैं, वह तो उस दुष्ट के जंगली बीजों से बच जाते हैं तथा कटनी के समय परमेश्वर के राज्य में इकट्ठे किए जाते हैं। परंतु जो मनुष्य परमेश्वर को जानते हुए पहचानते हुए भी दुष्ट के जंगली बीजों का गुलाम बन जाता है, अर्थात संसार के भरमाने वाले मार्गों में फंस जाता है तथा उसी में आनंद करता है, वह फिर कटनी के समय अर्थात अंतिम दिन आग के कुंड अर्थात नरक में डाला जाता है, जहां फिर कोई क्षमा नहीं केवल रोना है। उसमें वही मनुष्य डाले जाएंगे जो बाइबल के अनुसार कुकर्मी है, कठोर है तथा ठोकर का कारण है दूसरों के लिए। आज भी ऐसे बहुत से मनुष्य हैं भाइयों बहनों जो मसीह के वचन को सुनते हैं तथा कलीसिया भी जाते हैं, परंतु फिर भी संसारिक गतिविधियों के गुलाम हैं। परमेश्वर उन्हें ही ठोकर का कारण बनने वाला कहते हैं, अर्थात भेड़ के रूप में भेड़िए। तो आइए भाइयों बहनों, हम भी अपने को जांचें और देखें इस दृष्टांत के अनुसार कि कहीं हम भी तो किसी के लिए ठोकर का कारण नहीं बन रहे, कि हम कलीसिया भी जाते हैं तथा संसार के शत्रु के भी गुलाम हैं, अर्थात संसारिक बुराइयों के। यदि ऐसा है तो आज ही से इस दृष्टांत के अनुसार हमें भी अपने को अंतिम दिनों के लिए तैयार करना है, अपने अंदर परमेश्वर का वचन स्थिर रखकर तथा उस पर चलते हुए। तभी कटनी के समय जब परमेश्वर अपने स्वर्ग दूतों को भेजे तो वह हमें परमेश्वर के खत्तों अर्थात स्वर्ग में इकट्ठा करे। मेरे प्रियो, हमें जंगली बीज का गुलाम नहीं बनना जो शत्रु अर्थात शैतान का राज्य है, जो आग में झोंका जाएगा। हमें तो गेहूं के बीज अर्थात परमेश्वर के वचनों को उसकी आज्ञाओं को अपने भीतर स्थान देना है, जिससे फिर हम अनंत जीवन के वारिस बन पाए, जिसमें सदा के लिए फिर धर्म का सूर्य हमारे लिए प्रकाशमान रहेगा और कटनी तक अर्थात अंत के दिन तक सदा परमेश्वर के वचन की अगुवाई में चले, पवित्र आत्मा के फलों को अपने जीवन में स्थान दे तथा निरंतर प्रार्थना में लगे रहें, और फिर शैतान का सामना करें तो वह तुम्हारे पास से चला जाएगा। बाइबल ऐसा हमें बताती है। आशाहीन नहीं मेरे प्रियो, सदा आशावादी बने, अर्थात अविश्वासी नहीं सदा विश्वासी बने। हमारा परमेश्वर हमें दुष्ट के हाथों से छुड़ा लेगा, बस उसके वचन की आज्ञाकारिता में बने रहें तथा संसारिक अभिलाषाओं और बुराइयों को छोड़ें। जैसे प्रभु ने कहा कि जब वह सो रहे थे तब शत्रु ने जंगली बीज बोया, अर्थात मेरे प्रियो सदा आत्मा की अगुवाई में जागते रहें, वचन में बने रहें, प्रार्थना में बने रहें। इसी को जागना कहते हैं, और वो भी शुद्ध हृदय तथा शुद्ध विवेक से। तब शैतान आप में कोई जंगली बीज नहीं बो पाएगा। जब हम प्रार्थना में तथा बाइबल में से दूर हो जाते हैं या वचन को अपने जीवन में कोई स्थान ही नहीं देते, अर्थात वचन की आज्ञाकारिता में बने नहीं रहते, तो फिर हम शैतान को अवसर देते हैं कि वह हमारे जीवनों में जंगली बीज बो दे और हमारे जीवनों पर फिर नियंत्रण रखे। तो ध्यान दे मेरे प्रियो, सदा जागते रहो और सचेत रहो कि शैतान के जलते हुए तीरों का सामना कर सको और फिर परमेश्वर के राज्य के अधिकारी बनो तथा अनंत काल का राज्य भोगो, जो हमें निरंतर प्रार्थना में बने रहने से, आत्मा की अगुवाई में चलने से और वचन का प्रकाशन अपने हृदयों में रखने से मिलेगा। हालेलुया। आशा करती हूँ इस दृष्टांत का संक्षिप्त विवरण आप सभी को समझ में आया होगा। परमेश्वर आपको अपनी पवित्र आत्मा की भरपूरी से सदा भरता रहे। आप इन्हें दूसरों के साथ भी बांट सकते हैं, क्योंकि हमारे प्रभु यीशु मसीह की यही इच्छा है। आमीन एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।